मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गो, अल्लाह ताला ने इस इंसान को इस दुनिया में एक बहुत मुख्तसर वक्त के लिए भेजा है और वो भेजा है इसके ऊपर नवाजिशें करने के लिए, इसको कामयाब करने के लिए, और बहुत बड़ा आली मकसद देकर भेजा है। तो जितनी आताएं और नवाजिशें इस पर करना चाहते हैं उसी के मुताबिक इसको इस्तेदादें और कुव्वतें और सलाहियतें अता फरमाएं, और जो आली मकसद दिया है उसी के लिए इसको इस्तेदादें और कुव्वतें दी। ये दुनिया, इसकी कीमत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अगर इतनी भी कोई हैसियत और मर्तबा इसका होता तो किसी काफिर को एक घूंट पानी कभी ना अता करते। तो इस्तेदादें और कुव्वतें जिस पैमाने पर दी हैं वो इसके एतबार से नहीं हैं, बल्कि वो लामादूद जिंदगी जो इसके सामने आ रही है उसके हिसाब से है। यहाँ मुख्तसर सा इम्तिहान इसके सामने रख दिया, वक्ती जरूरतों को इसने अहमियत दे दी और उन्हीं को सब कुछ समझकर वो आला इस्तेदादें और कुव्वतें जो अपनी मार्फत के लिए इसको दी थी दुनिया के ऊपर खर्च कर रहा है। खाना पीना एक मकसद बना लिया, रिहाइश एक अपना मकसद, एक सवारी और लिबास, शादी ब्याह, ये चंद जरूरतों को मकसद का दर्जा देकर ऐसी अपनी सलाहियतों को इसके ऊपर जाया कर रहा है कि जिसका अंदाजा कोई नहीं। हालांकि अगर यहां पर आला पैमाने पर भी इसकी ये जरूरतें पूरी हो जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा फायदा इसको जो मुमकिन है वो मौत तक है, मौत के बाद इन चीजों का फायदा बिल्कुल इसको नहीं होगा। अव्वल तो ये भी यकीनी नहीं है, करे सारी मेहनतें मिलेगा वही जो मुकद्दर में है। पूरी सलाहियतें और कुव्वतें इस्तेदादें इस पर खर्च कर दे, एक घूंट और एक दाना बढ़ा नहीं सकता जो इससे मुकद्दर इसके लिखा हुआ है। हाँ, होगा कि आके इन वक्ती और आर्जी चीजों के ऊपर अपनी वो इस्तेदादें जो अल्लाह ने इसको दिए अपनी मार्फत के लिए, कि सबसे ऊंचा मकसद दिया इसको कि वह मा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून ऐ लियअरिफून, कि अल्लाह की मार्फत इसको नसीब हो जाए। इस पैमाने पर इसको सलाहियतें दी हैं दुनिया की चीजों की मार्फत, चाहे सारी चीजों की इसको मार्फत नसीब हो जाए लेकिन अल्लाह की मार्फत से ये महरूम रहा तो बेचारे को कुछ भी हासिल न हुआ। कि असल जो गरज है कि उस खालिक और मालिक की पहचान इसको नसीब हो जाए जिसने सब कुछ दिया और जो सब कुछ इसको नवाजना चाहते हैं और अता करना चाहते हैं, उसकी पहचान इसको हो गई कि खालिक सिर्फ वही है, किसी चीज का कोई वजूद नहीं था, हर चीज को आदम से जो वजूद बख्शा सिर्फ अल्लाह ने अपनी कुदरत से वजूद बख्शा है, और चीज अपने वजूद होने में अल्लाह की मोहताज, आगे जो इसके अंदर सिफात अल्लाह ने रखी हैं वो भी उसकी कोई जाती नहीं, अल्लाह ने ही उसके अंदर वो सिफात रखी हैं, जैसे चाहे उनको इस्तेमाल करें, चाहे जो आम आदत के तौर पर इस्तेमाल करने की सिफात रखी हैं उस पर इस्तेमाल करें, चाहे उनको ख़त्म कर दें, चाहे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दें, ये चीज़ें अपने इस्तेमाल होने में भी अल्लाह ही की मोहताज हैं, जैसे पैदा होने में और वजूद में अल्लाह की मोहताज हैं, अपने इस्तेमाल और तासीब में भी अल्लाह की मोहताज है। कोई चीज अपनी जाती तौर पर असर दिखा नहीं सकती जब तक कि अल्लाह का उससे कोई इरादा ना हो। ये जाहिरी तौर पर एक नजर आ रहा है कि इतना बड़ा ये कुर्रा है, सूरज ही ये रोशनी पहुंचा रहा है, इस रोशनी पहुंचाने में ये अल्लाह के अमर का मोहताज है, अल्लाह ने इसके अंदर रोशनी रखी है, वो चाहेंगे तो इससे रोशनी होगी, अगर वो चाहें इसको अंधेरा फैलने का जरिया बना दें, इस रोशनी पहुंचाने में इसके मोहताज नहीं, अगर चाहें तो एक कंकरी के अंदर वो पूरी रोशनी रख दें जो इतने बड़े कुर्रा के अंदर रखी। तो मोहतरम दोस्तों, उधर को हर चीज का यही हाल,
ये मार्फत इंसान को नसीब हो जाए कि चीजों से मुतासिर हो के न चले, हर चीज का तासुर अपने अंदर से खत्म करके सिर्फ अल्लाह की जात आली का तासुर इसको सामने रख के जिंदगी गुजारना। अल्लाह पाक ने इतनी ये अहम चीज है कि इसी के मुताबिक आलमे अरवा में भी इससे पूछ लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, सब ने जवाब दिया भला कि क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। और जब पैदा किया तो पैदा भी इसी फितरत पर पैदा किया ताकि जो मकसद इसके सामने है उसके खिलाफ ये इस्तेमाल न हो कि कुल मौलूद युलद अला फितरा फअबवाहु युहव्विदानिहि अव युनस्सिरानिहि अव युमज्जिसानिहि अव कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हर बच्चे के अंदर अल्लाह ने ये फितरत रखी है, उसके अंदर ये इस्तेदाद और कुव्वत रखी है कि वह हक को कबूल कर ले जब उसके सामने हक आए। हक के कबूल करने की इस्तेदाद अल्लाह ने पहले से ही रख दी है कि वह हक अल्लाह की मार्फत इसको नसीब हो जाए, इस्तेदादें पहले से इसके अंदर ये रखी हुई है। आगे जो जो शहूर इसका बढ़ता है तो फिर वहां पर भी यही चीजें इसकी कि अपने शहूर को अगर सही इस्तेमाल करे तो वो शहूर भी अपनी मार्फत जो अल्लाह ने इसके लिए मुकद्दर की है उसी के लिए वो शहूर भी इसकी मदद करता है। अगर अपने इस शहूर और समझ को भी माते हार गया है कि अज़मीर रोयत वहदहु ला शरीक लहु गोया, कि जो घास भी जमीन से उग रहा है वो इस बात की दावत दे रहा है कि खालिक और मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। तो मकसद इसका किसी मौके पर भी इससे जरा सी भी तवज्जो करे तो अल्लाह पाक जो मेहरबान हैं, जो चाहते हैं इसको नवाजना, वो जिसको कामयाबियां अता करना चाहते हैं और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले इससे वो अल्लाह है। माँ की मोहब्बत की एक मिसाल दी जाती है लेकिन माँ से भी ज्यादा मोहब्बत कि माँ खुद जागती है और बच्चे को सुलाती है, खुद भूखा रहती है और उसको खिलाती है, खुद प्यास बर्दाश्त कर लेती है और उसको पिलाती है, हर किस्म की तकलीफ इस बच्चे के लिए गवारा करती है, ये उसकी एक मोहब्बत की अदना सी मिसाल। अल्लाह पाक की मोहब्बत जो इसके साथ है माओं से कई गुना ज्यादा है, वो इसको आला पैमाने पर कामयाब करना चाहते हैं। इसलिए फरमाया वला यर्ज़ा लिबादिल कुफ्र वहम तशकुरु यर्ज़ौ लहु, वला यर्ज़ा लिबादिल कुफ्र, अगर तुम उसका शुक्र करो तो वो तुमसे राजी होगा और तुमसे खुश होगा, ना शुक्री और कुफर पर वो राजी नहीं होते। वो सारे रास्ते वाजे करके इसके लिए बयान कर दिए, हर चीज खोल के रख दी। अगर अपनी इस्तेदाद और सलाहियत को सही इस्तेमाल करता है और फिर मजीद फजल फरमाया कि इंसानों में से वो मुहसिन तरीन इंसान अम्बिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया, एक दो नहीं कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को मबहूस फरमा कर इसकी राबरी फरमाई कि किसी मौके पर कहीं अपना नुकसान न कर ले। और वो कामिल तरीन शख्सियतें हर एतबार से, जाहिरी एतबार से भी बातनी एतबार से भी अम्बिया अलैहिस्सलाम कामिल है। अल्लाह की ज़ात आली का यकीन, अल्लाह की ज़ात आली पर एतमाद, सब्र और शुक्र, एहसान, जूद और सहावत, शजाअत, हर एतबार से वो कामिल और ज़ाहिरी शक्ल के एतबार से भी एक हदीस पाक का मफहूम है कि हर नबी खूबसूरत और खूब आवाज होते हैं। ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में भी अल्लाह पाक कोई उनकी कमी नहीं रखते, हर एतबार से कामिल, अकल के एतबार से सबसे आला, वो मुस्तकिल रहनुमाई इसकी फरमाते हैं। और रहनुमाई भी उनकी पूरी खैरख्वाही के जज्बे के साथ, सिर्फ एक ये नहीं कि पहुंचा दी बात, बल्कि उनकी मशक्कतों को, उनकी तकलीफों को, उनकी अजियतों को बर्दाश्त कर करके पूरी खैरख्वाही उनके सामने रखते हैं। जैसे माँ देख रही है कि अगर कोई बच्चा आग के अंदर अपने आप को डाल रहा है तो अपनी तकलीफें बर्दाश्त कर लेगी लेकिन उसको आग में गिरने नहीं देती। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका मफहूम ये कि मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की सी है
कि जिसने आग जला रखी हो और परवाने उसके ऊपर गिर रहे हों और वो उन परवानों को आग से दूर कर रहा हो, ऐसे तुम भी आग के ऊपर गिरते जा रहे हो और मैं कमर के पीछे से पकड़ पकड़ के तुम्हें बचा रहा हूं और खींच रहा हूं वहां से और मेरे हाथों से निकल रहे हो, पूरी एक खैरख्वाही के जज्बे के साथ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने शख़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफी सदरी अज़ीज़ुन कअज़ीज़िल मिरजल मिनल बुका, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपके मुबारक सीने से रोने की वजह से ऐसी आवाज आ रही कि जैसे हंडिया उबलने की आवाज होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, शिबत, आप बूढ़े हो गए। फरमाने लगे, शय्यबतनी हूदन वल वाकिअतु वहम यतसाअलून वइल शम्स कुव्वित, इन चार सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, सूरा हूद, सूरा वाकिया, सूरा हम यतसाअलून और सूरा इज शम्स कुव्वित, कि इनमें बाद सूरतों में क़यामत के हालात, जन्नत दोजख के मनाजिर, वहाँ वालों के हालात, सूरा हूद में अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात, जिनको अल्लाह पाक ने अपनी कौमों की तरफ दाई बनाकर भेजा था, आगे कौमों ने क्या रवैया अख्तियार किया, मानने वाले कैसे कामयाब हुए और जो आगे से परेशान करने वाले थे कैसे अल्लाह ने दुनिया में भी उनको तबाह बर्बाद किया और आखिरत की भी तबाही उनकी मुकद्दर है। और फरमाते हैं सूरा हूद में ये भी, फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताब माअक, कि आप बिल्कुल मुस्तकीम रहें, सीधे रहें जैसे आपको हुक्म किया गया, वमन ताब माअक, और जिन्होंने आपके साथ तौबा की है वो भी मुस्तकीम रहें। इस्तिकामत क्या, अकायद में, इबादात में, अखलाक में, मुआमलात में, मुआशरात में, हर चीज के अंदर पूरा बिल्कुल मुस्तकीम सीधा होके रहना, जरा भी कोई दाएं बाएं झुकाव ना हो। इसलिए बात का कौन है कि ये इस्तिकामत हजार करामतों से भी बेहतर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक मफ़हूम के सबसे ज्यादा जो सख्त तरीन आयत आप पर उतारी गई शदीद, वो ये आयत कि बिल्कुल मुस्तकीम होकर रहे तो आप तो अल्लाह के फजल व करम से मासूम हैं, हर किस्म के गुनाह से नबी मासूम होते हैं, आप मासूम हस्तियों के सरदार हैं, आप तो पूरे मुस्तकीम रहे, आपको जो फिक्र था वमन ताब माअक, कि जिन्होंने आपके साथ तौबा की है वो भी पूरे इन हर चीज के अंदर मुस्तकीम रहे। तो ये अमर इस चीज की वजह से इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दो हदीसें आपकी ये कैफियत, इनकी वजह से एक तो इसकी ये वजह है कि आपको अल्लाह की इंतहाई मार्फत नसीब थी और दूसरा आपके अंदर उम्मत की खैर ख्वाही, उम्मत के बारे में जो आपको गम लगा हुआ था उसकी वजह से आपकी ये कैफियत थी, कि सीने मुबारक से भी ऐसी आवाज आ रही है और बुढ़ापा भी आपके ऊपर तारी हो गया उम्मत के गम की वजह से। तो मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पूरी खैर ख्वाही के जज्बे के साथ कि ये इंसान अपने मकसद से गाफिल ना हो जाए, इस्तेदादें और कुव्वतें जो इसको मिली हैं, हर इस्तेदाद और कुव्वत एक एतबार से अल्लाह के पास से इसकी नेमत है और दूसरे एतबार से अल्लाह की तरफ से इसके पास अमानत है, नेमतें भी ज्यादा, अमानतें भी इसके पास ज्यादा, जितनी नेमतें इस पर की गई हैं और किसी मखलूक को इतनी इस्तेदादें और कुव्वतें और नेमतें नहीं मिली, हत्ता कि इसके अंदर खिलाफत का जौहर भी रखा है, अल्लाह का खलीफा बनने की इस्तेदाद भी इसको अल्लाह ने नसीब फरमाई और किसी मखलूक को ये इस्तेदाद और कुव्वत नहीं दी। तो जो जो नेमत है मुस्तकिल अमानत है, नेमत होने के एतबार से उसका शुक्र वाजिब, अमानत होने के एतबार से उसका जो हक है वो हक अदा करना इसके जिम्मा वाजिब। कहते हैं जितना मामला इसका हसास और नाजुक है और किसी मखलूक का मामला इतना हसास और नाजुक नहीं है, कि नेमतें भी हर आन हर घड़ी इतनी ज्यादा, लिहाजा जिम्मेदारियां भी इसके ऊपर, और ये नेमतें जैसे अर्ज किया एक खास मकसद के लिए अल्लाह ने अता फरमाई हैं, अल्लाह की मार्फत इसको नसीब हो जाए, सारी इस्तेदादें और कुव्वतें अपनी इसके ऊपर ये खर्च करें।
इसलिए कि जिसकी अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी कीमत नहीं, अगर अपनी इस्तेदादों और कुव्वतों और सलाहियतों को उसके ऊपर खर्च कर दिया तो इसने भी अपनी कीमत घटा दी और ख़त्म कर दिया, यह भी बेकीमत हो गया। बल्कि सिर्फ यही नहीं है कि इसने ज़ाया किया, बल्कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, अपना ही नुकसान किया। कि जिस गरज के लिए वो नेमतें दी हैं उसमें इस्तेमाल नहीं हो रही, चाहे सारी दुनिया का मालिक बन गया, ये हलाकत और खसारे में है कि मुख्तसर सी चीज़ों को सामने रख कर जिंदगी गुजार दी। एक हदीस पाक का मफहूम है कि युक्ता बिअन्ना मिन अहलि दुनिया मिन अहलि नार यौम अल क़ियामा फयुसबगु फिन नार सबगतन थुम्मा युक़ालु या इब्न आदम हल रअयत खैरन क़त हल मर्र बिक नईम क़त फयकूल ला वल्लाहि या रब। कि वो आदमी जिसको दुनिया की सबसे ज्यादा नेमतें दी गई, अन में अहल दुनिया सबसे ज्यादा नेमतें हुई उस पर अल्लाह की तरफ से, लेकिन होगा वो जहन्नम वालों में से, तो उसके बारे में कहा जाएगा इसको एक जहन्नम का गोता दे दो। तो फिर पूछा जाएगा यबन आदम हल रईत खैरन क़त, कभी कोई खैर देखी है? हल मर्र बिक नईम क़त, कभी कोई नेमत तेरे पास से गुजरी है? हालांकि नेमतों के अंदर डूबा हुआ है, नेमतें ही नेमतें, यहां तो यह पूछा जा रहा है कभी देखी भी है, कभी पास से गुजरी भी है कोई नेमत तेरे पास से? तो नेमत का पास से गुजर जाना, नेमत का देख लेना भी नेमत है। और नेमतें चे जाए कि उसके ऊपर हर आन हर घड़ी हो, तो कसम खा के गएगा ला वल्लाह यार। और इसके बिलमुकाबिल दूसरा आदमी वयुक्ता बिअशद अन्नास बुख्सन फिद दुनिया मिन अहलिल जन्ना फयुसबग सबगतन फिल जन्ना फयुक़ाल लहु यबन आदम हल रअयत बुख्सन क़त हल मर्र बिक शिद्दतुन क़त। कि वो आदमी जो दुनिया में बहुत सख्तियों के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन होगा जन्नत वालों में से, उसके बारे में हुक्म होगा कि इसको जन्नत का गोता दिया जाए। फिर पूछा जाएगा इब्ने आदम कभी तूने कोई सख्ती देखी है? कभी कोई शिद्दत तेरे पास से गुजरी है? वो भी जवाब देगा फयकूल ला वल्लाहि या रब, के मेरे रब कसम आपकी। आगे मजीद वजाहत भी करेगा कि मा मर्र बी बुख्सुन कत्तु वला रअयतु शिद्दतन कत्तु औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला तो इतना ही कह के खामोश हो जाएगा वल्लाहि या रब, लेकिन ये मजीद भी अब खुशी और नेमत में अल्लाह के साथ हम कलामी का शरफ मिल रहा है तो इसका दिल करेगा मजीद बात को लंबा करने का कि ना कभी कोई सख्ती देखी है और ना कोई शिद्दत मेरे पास से गुजरी है, हालांकि दुनिया की जिंदगी वो सारी सख्तियों के अंदर है। इसलिए कहते हैं मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, वो सख्ती और वो परेशानी जिसके बाद जन्नत है वो कोई सख्ती और परेशानी नहीं है, और वो नेमत और वो खुशियां कि जिसके बाद जहन्नम है वो कोई खुशी और नेमत नहीं है। तो ये एक मुख्तसर सी जिंदगी, इसको अपने मकसद को जब भूल कर जिंदगी गुजारी तो सारी नेमतें इसके सामने बेकार। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 10 आदमी हम आए, मैं उनमें से भी एक था। एक अंसारी खड़े होकर पूछे या नबी अल्लाह मन अकयसुन नास व अहज़मुन नास, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा मोहतात आदमी कौन है? आज अपने अपने मेयार पर समझदारी, हर आदमी अपने माहौल से एक मेयार मुकर्रर कर लिया है, समझदारी इसको कह रहे हैं जिसको ज्यादा फानी चीजें जमा करने के तरीके आ जाए, जितना फानी चीजों को जमा कर लिया है उसको समझ रहे हैं बड़ा समझदार। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सोहबत से इस्तिफादा करने के लिए अल्लाह पाक ने हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे जो उम्दा और चुनी हुई जमात है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिफादा के लिए उनको चुना है। उनको इसी एतबार से अल्लाह ने समझ दी है, उनके सवालात भी इंतहाई समझ वाले कि सहाबा भी
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ से पूरा फायदा उठाकर पूरी उम्मत पर क़यामत तक आने वाली इंसानियत तक राबरी करने के लिए अल्लाह ने उनको चुना है, इस्तेदादें भी उनको वैसी दी हैं, इसलिए उनके सवालात, उनकी जिंदगी मुस्तकिल राहबरी राबरी। तो वो जो पूछ रहे हैं कि समझदार कौन है, अब पूछ भी किन से रहे हैं जो सारे नबियों के सरदार और पूरी इंसानियत में से सबसे ज्यादा समझदार है, और जिनको अल्लाह पाक ने वो समझ अता की और किसी मखलूक को वो अता ही नहीं की, वहां पहुंच ही नहीं सकते। आपने फरमाया जिसका मफहूम ये, अक्सर हम जिक्रन लिल मौत, अक्सर हम इस्तेदादन लिल मौत, उलाइक अल अकियास ज़हबू बिशरफ़ दुनिया व करामतिल आखिरा। ये सबसे ज्यादा मौत को याद करते हैं, सबसे ज्यादा मौत की तैयारी में लगे हुए हैं। फरमाया ये है समझदार, दुनिया आखिरत की शराफतें और करामतें और इज्जतों को ले जाने वाले ये लोग। आखरत को सामने रख कर अपनी इस्तेदादों और कुव्वतों और सलाहियतों को खर्च करना, अल्लाह की पहचान और अल्लाह की मार्फत, लामादूद नेमतें जो इसके लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी हैं, उनके लिए अपनी इस्तेदादों और कुव्वतों को खर्च करना, यह आदमी की समझदारी है। आज यही तो एक बहुत बड़ा फर्क, किसको तरजीह दी जा रही है, फानी को तरजीह दी जा रही है या बाकी को? पूछा जाए तो हर आदमी यही कहेगा कि बाकी को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन आमलन हमारी जिंदगी बता रही है कि हम फानी को तरजीह दे रहे हैं, बाकी को छोड़ रहे। माहिंदकुम यनफदु माहिंदल्लाह बाक, कि जो कुछ है तुम्हारे पास वो सब कुछ खत्म होने वाला है, जो अल्लाह के यहाँ है वो बाकी रहने वाला है। अल्लाह ने आखरत की नियमतें इसको अता करने के लिए बनाए, वैसे अल्लाह पाक को उनकी जरा बराबर भी कोई जरूरत नहीं है, किसी एक के भी वो मोहताज नहीं है, इसको अता करना चाहते हैं और उसी के इस्तेदाद एतबार से इस्तेदाद भी इसको दिए। अब ये चाहता है कि इस मुख्तसर सी जिंदगी में वो कामयाबियां इसको मिल जाएं, क्योंकि असल तो ये जन्नत का बाशिंदा है, वहां से आया है, अंदर इसकी तमन्नाएं वो रखी हुई है, और वो चाहता है इस मुख्तसर जगह पर छोटे बर्तन में यहां पर वो कामयाबियां मिल जाएं, तो उसमें तो फिर टकराव ही टकराव है। अगर सारी दुनिया भी एक आदमी को दे दी जाए, उसकी भी ये चाहत को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए कि जगह ही छोटी है। इसके अंदर जो चाहतों का समुंदर अल्लाह ने रखा है वो यहां पूरा हो ही नहीं सकता, वो यहां पूरा करने की कोशिश करेगा तो परेशान होगा, वक्त जाया करेगा और परेशानियां इसकी बढ़ती रहेंगी। वो चाहते थे आयुन के कोई जी जानता नहीं, न कोई फरिश्ता जानता है, न और कोई नबी जानते हैं, कोई जी नहीं जानता, अल्लाह ने आंखों की ठंडक का क्या सामान तैयार कर रखा है वो इसके लिए वहां पर है। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, इसकी अब समझदारी क्या है कि दुनिया के रुख वहां से अपना रुख फेर कर आखरत की तरफ रुख करना, इस बुनियाद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को उठाया है, जहां भी आए कि हमें क्या मिलेगा, हम ये कुर्बानियां पेश करेंगे, अंसार ने अर्ज किया अपने खिलाफ दुश्मनी को मूल लेंगे, हमें क्या मिलेगा, आया कोई जायदादें, कोई हुक्मरानियां, कोई ओहदे और मनसब हमें मिलेंगे, तो जन्नत फरमाया। आखरत की बुनियाद, बेहतरीन और मजबूत बुनियाद, पायदार बुनियाद, जिस पर इंसान अपनी सलाहियतें खर्च करे, जिसके लिए पैदा किया गया है, वो आखरत है, जन्नत है। इसको सामने रखकर अल्लाह ने इसको वो इस्तेदादें और कुव्वतें और सलाहियतें दी। अल्लाह की जितनी ज्यादा मार्फत होगी, जितना अल्लाह की पहचान होगी कि खालिक वही है, मालिक भी वही है, तसर्रुफ भी उसी का चलता है और किसी का तसर्रुफ नहीं चलता, जिसने बनाया मिल्कियत उसी की है और कोई मालिक हो नहीं सकता, जिसने बनाया उसी की है। ये कहे कि ये चीज मेरी अपनी है, ये हाथ पांव आजाओ जवारे मेरे, कहां से लेकर आया, अल्लाह ने दिए हैं अमानत चंद दिन के लिए इसके पास। इन समा वल बसर वल फुआत कुल उलाइका कान अनहु मसूला, कि ये आंख कान और दिल इसके पास अमानत है चंद दिन के लिए, जिसने दिए हैं उसने इस्तेमाल करने के तरीके बताए हैं, हर एक के बारे में मुस्तकिल पूछ होगी कि नेमतों में क्या कारगुजारी रही, कैसे इनको इस्तेमाल किया।
तो मिल्कियत भी सिर्फ उसी खालिक और मालिक की है और तसर्रुफ भी उसी का चलता है और पालने वाली जात वही है, खुशियां अता करने वाले वही, गमों से नजात देने वाली जात वही है। इसलिए कहते हैं हर हाल में रुजू आदमी का उसकी तरफ हो। जितने दिल के अंदर ये बात पैदा होगी, इसकी दिन रात की मेहनत, दिन रात की दौड़ धूप और हर कोशिश उस अल्लाह को राजी करने के लिए होगी जिसके बारे में अंदर यकीन है कि सारी कुव्वतों और ताकतों के मालिक सिर्फ एक वही। और वो फिर राजी कैसे होते हैं, किन तरीकों से वो खुश होते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी जितनी इसकी जिंदगी के अंदर होगी, इतना ये अल्लाह का महबूब बनेगा, इतना अल्लाह पाक इसको नवाजेंगे, इसके गुनाहों को माफ फरमाएंगे। फरमाया कि ये दावा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह यग़फिर लकुम, अगर तुम ये दावा करते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अब इसके क्या है पहचान? फत्तबिउनी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया इनको बता दो मेरी इत्तिबा करें, युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। अल्लाह की मोहब्बत खुद न से एक तो ये दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, एक अल्लाह पाक फरमाए कि मैं इससे मोहब्बत करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी ऐसी अल्लाह को महबूब है कि जो भी उसको इख्तियार कर लेता अल्लाह का वो महबूब बन जाता। हर अदा आपकी, कोई भी अमल है आपका, जितना उसको इख्तियार करता जाएगा अल्लाह की मोहब्बत इसको नसीब होती जाएगी और अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ करते जाएंगे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत में सबसे बड़े मोहसिन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े खैरख्वाह, जैसे अर्ज किया कि उस खैरख्वाही की वजह से हर आन आप परेशान रहते कि यह इंसानियत किस तरफ जा रही है, हर बात जो भी खैरख्वाही की थी पूरी उसमें आपने रहनुमाई फरमाई और शफकत के जज्बे के साथ तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे हैं, जरा बराबर इस खैरख्वाही में कमी नहीं कर रहे। माँ बाप इतना खैरख्वाह नहीं है, ताल्लुक वाले और इतने खैरख्वाह नहीं है जितने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के खैरख्वाह हैं। हत्ता के छोटी छोटी बातों की भी, वैसे तो आपकी कोई बात छोटी नहीं लेकिन निस्बत के एतबार से आपस में आप हर बात की रहनुमाई फरमा रहे हैं। ये भी आप फरमा रहे हैं कि अगर रात को सोने लगो दरवाजों को बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर दो। अब मुस्तकिल रहनुमाई फरमा रहे हैं कि शैतान एक बातिल ताकत पूरा जोर लगाकर उस दरवाजे को खोल नहीं सकता जिसको बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किया गया। और फरमा रहे हैं जब सूरज गुरूब हो जाए बच्चों को बाहर न छोड़ो, उस वक्त शयातीन जिन्नात जो उचक लेते हैं। अब मुस्तकिल जैसे बच्चों के बारे में वालदेन को फिक्र है कि इस वक्त इनका नुकसान है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वालदेन से भी ज्यादा खैरख्वाह हैं बच्चों के। मुस्तकिल रहनुमाई फरमा रहे हैं कि बर्तनों को वैसे ही नंगा न छोड़ दो, रात को बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके ऊपर किसी चीज को टांग दो, किसी चीज से और कोई चीज नहीं मिलती तो लकड़ी ही रख दो, इसलिए कि साल में एक रात होती है जिसमें वबाएं मुसीबतें उतरती हैं, बीमारियां नाजिल होती हैं, बर्तन खुला होगा तो उसके अंदर होगी और बीमारियां फैलेंगी। मुस्तकिल खैरख्वाही और राबरी, कोई चीज आपने नहीं छोड़ी खैरख्वाही वाली, जो भी इस इंसान के लिए खैरख्वाही की चीज थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली जिंदगी से भी उसको बताया, अपने इरशादात से भी उसको बताया। तो सबसे बड़े खैरख्वाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक ने इस मुख्तसर सी जिंदगी में ये मौका दिया और कुव्वत और इस्तेदाद दी अपनी इस्तेदादों और सलाहियतों को अपने दिल के रुख के ठीक करने और जिस्म से निकलने वाले आमाल को ये ठीक कर ले, दुनिया के अंदर भी इत्मीनान चैन और सुकून की जिंदगी। आज हर एक की कोशिश इसी के लिए, लेकिन अल्लाह ने ये रखा कहां पर है? दीन के अंदर रखा है। आज जो कोशिशें की जा रही हैं इसी के लिए ही हो रही हैं, लेकिन क्या है? ऐसे फरमाते हैं कि न जानना भी जहालत और गलत जानना भी जहालत, नहीं जानता वो एक दर्जे का जाहिल है, जो गलत जान रहा वो दोहरा जाहिल है। कामयाबियां और इत्मीनान और चैन और सुकून अल्लाह ने दीन में रखा है,
इसको दीन के अलावा और चीजों में समझ लेना ये गलत जानना है। तो ये दोरी जहालत है, दोरी जहालत है। एक को तो पता कोई नहीं कि ये क्या चीज है, वो भी उस चीज का जाहिल है। दूसरा कह रहा है मैं जानता हूं लेकिन गलत बता रहा है, तो न जानने में तो वो भी बराबर, और आगे गलत बता रहा है उससे एक कदम और आगे बढ़ा हुआ है। तो आज सारी इंसानियत इस जहालत में है। कामयाबी जहां अल्लाह ने रखी, इज्जत जहां पर अल्लाह ने रखी, उल्फतें और मोहब्बतें जहां पर रखी हैं, वहां पर तलाश नहीं कर रहे, समझ रहे हैं दूसरी चीजों के अंदर हैं, उसके ऊपर अपनी सारी सलाहियतें लगा रहे हैं, तो इंसानियत एक बहुत बड़े धोखे में पड़ी। वो इस्तेदादें और कुव्वतें जिस पैमाने पर दी गई उसी को खर्च कर रहा है एक धोखे के ऊपर। धोखा क्या है? धोखा यह है कि नजर कुछ आ रहा है, नतीजा कुछ और निकल रहा है। समझ रहा है यहां पर कामयाबी है, नतीजा कुछ और निकलेगा। धोखा आज कि असबाब राहत का नाम राहत रख दिया, चीजों से इज्जत की नजर आ रही है तो उन चीजों को इज्जत का समझ लिया कि इससे इज्जत मिलती है, हालांकि राहत और चीज है, असबाब राहत और चीज है। असबाब राहत को तो ये अख्तियार कर सकता है, राहत और इत्मीनान चैन सुकून अल्लाह के खजानों से आए। चाहे लाखों का यह बिस्तर खरीद ले, अगर इसके मुकद्दर में नींद और आराम नहीं है, उस बिस्तर से इसको रात आराम मिल नहीं सकता, वो तो अल्लाह की तरफ से आएगा। तो मकसूद तो वह राहत है, मकसूद कोई दवाइयां ये चीज नहीं, मकसूद तो सेहत है। चीजों का मिल जाना यह कोई मकसूद का हासिल हो जाना नहीं। आज सारी कोशिश और दौड़ धूप इसी के अंदर, यह समझ रहा है कि इस ओहदे के अंदर इज्जत है, इस सवारी के अंदर इज्जत है, इस मकान और जायदाद के अंदर इज्जत है। कल वो चीजें छिन गई, अब कोई पूछता भी नहीं। तो उन्हीं के ऊपर अपनी सलाहियतें कि समझ कुछ रहा था, नतीजा कुछ और निकला। अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया कि इस धोखे से इंसानियत को निकाले, कि बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा खतरा है, और यह हर एक के ऊपर मौत के वक्त खुल जाता है। मौत से पहले पहले तो हर आदमी अपने बारे में दावा कर रहा होता है कि मैं कामयाब जा रहा हूं, कोई भी नाकामी के लिए मेहनत नहीं कर रहा। जरा से भी अकल जिसको अल्लाह ने दे रखी है वो अपनी सलाहियतें कामयाबी के लिए लगा रहा है। किसी से पूछें, भाई दिन रात थक रहे हो, पढ़ पढ़ा रहे हो, अपने जिस्म को थका रहे हो, सफर पे सफर कर रहे हो, घर वालों की जुदाइयां बर्दाश्त कर रहे हो, किस काम के लिए? कामयाब होने के लिए। नाकामी के लिए कोई मेहनतें नहीं कर रहे, कामयाबी के लिए मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन आया हर मेहनत करने वाला कामयाब है? अपनी सलाहियतों और इस्तेदादों और कुव्वतों को जिस मकसद के लिए दिया वहां अगर खर्च नहीं कर रहे, तो चाहे अपने दावों के एतबार से कितना ही अपने आप को कामयाब समझ ले, हकीकत मौत के वक्त सबके ऊपर खुल जाती। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कौमों के किस्से बयान किए, अशखास के किस्से बयान किए, दावे करने वाले थे बहुत, अपनी कसरत पर दावे करने वाले, जिस्मानी कुव्वतों पर दावे करने वाले, और इसी तरह सनत और हिरफत पर दावे करने वाले, अपनी तिजारत और मंडियों पर दावे करने वाले, अपनी बादशाही पर दावे करने वाले, हकीकत दुनिया में ही अल्लाह ने उनके ऊपर खोल दी। फिरौन भी अपनी मेहनत में अपने आप को कामयाब समझ रहा था कि मैं कामयाब जा रहा हूं, और अपनी कौम को भी बेवकूफ बना रखा था। कह रहा है अलैसली मुल्क मिस्र वहादिल अनहार तजरी मिन तहती फला तुबसिरून, क्या ये मेरे लिए मुल्क मिस्र नहीं, और ये मेरे महल्लात के नीचे मेरे नहीं जारी हो रही, चल नहीं रही? अफला तुबसिरून, क्या तुम देख नहीं रहे? अब उनको भी बेवकूफ बना रहा है, और आगे अमन खैर मिन हादल लजी हो महीन वला यकाद युबीन फलौला उल्किया अलैहि असरत मिन ज़हब औ जाम औ मलाइकत मुख्तरिनीन फस्तखफ क़ौमहु फअताऊह इन्हुम कानू क़ौमन फासिकीन। के क्या अब मूसा अलैहि सलाम के बारे में नऊज़ु बिल्लाह महीन गठिया का लफ्ज़ बोल रहा है? अपने आप को इन ओहदों और इन हुकूमत और मुल्क मिसर और सोने के कंगन पहन रहा है, और फौजें इसके सामने दस बस्ता खड़ी हैं, तो ये इज्जत की चीजें अपने आप के लिए समझ रहा है। इस पर फख्र करके अपनी कौम को भी बेवकूफ बनाया, फरमाया कि फिर इस बेवकूफ कौम ने उसी की इताअत की और वो भी फासिक।
अब दावे ये कर रहा है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, आज भी ये दावे चल रहे हैं। ये कुरान में जो किस्से बयान हुए हैं ये कोई तारीखी किताब नहीं है कि तारीख दोहराई जा रही है कोई, ये हकायक हैं और हिदायत की किताब है। और अल्लाह पाक ने इस उम्मत के सामने पहली कौमों और अफराद के ये हालात बयान किए ताकि ये उम्मत जिस तबके में, जिस लाइन पर, जिस शोबे में जो भी मेहनत कर रहा है वो अपने आप को देखे, कहीं कसरत में तो नहीं फंसा हुआ उसके जोम में, कहीं अपनी सनत और इरफत और तजारत के जोम में तो नहीं डूबा हुआ, और कहीं अपनी जाती शख्सी और इन चीजों के ऊपर तो फख्र नहीं कर रहा। सब के किस्से बयान कर दिए, इसकी मुस्तकिल रहनुमाई हो जाए। इस उम्मत की खैरख्वाही अल्लाह ने इसमें की और उनके हालात पहलों के रखे, और अल्लाह ने इस उम्मत पर पर्दा डाला, इनके हालात बाद वालों पर नहीं रखे। ये कैसे करेंगे? अल्लाह ने इसकी रहनुमाई के लिए पहलों के हालात तो बयान करिए ताकि ये उनसे सबक हासिल कर ले और अपने ईमान और यकीन और आमाल को ये ठीक कर ले। दुनिया की जिंदगी भी इसकी आला पैमाने पर बनाएंगे, आखिरत की जिंदगी भी हकीकतें इसको नसीब होंगी। कामयाबियां अल्लाह ने दीन में रखी हैं, जाहिरी दुनिया जिसको हम मुकद्दम समझते हैं अमली तौर पर उसका बनना भी अल्लाह ने दीन के अंदर रखा है। दुनिया की हकीकत, दुनिया की हकीकी लज्जत वो भी इस दीन वालों को नसीब होगी, दूसरों को नसीब हो ही नहीं सकती। हकीकी इज्जत वलिल्लाहिल्इज्जत वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, हसर के साथ फैसला फरमा दिया सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए है, और बाकी किसी के लिए इज्जत है ही नहीं। एक धोखा है, जैसे अर्ज किया चीजों का नाम इज्जत रख दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पोते तवाफ करने के लिए तशरीफ लाए, उस वक्त जो खलीफा ज़ादा था वो भी आया हुआ था। अब ज़ाहिरी हुकूमत उनके पास, उसके साथ आदमी ताकि ये तवाफ कर ले खलीफा ज़ादा, कोई हजरे असवद का बोसे का मौका मिल जाए, लोगों को धक्के दे रहे हैं। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, मजमा फौरन एक तरफ छट गया, आए हजरे असवद का बोसा दिया, तवाफ शुरू कर दिया। उसके साथ जो लोग थे पूछने लगे ये कौन है, वो जानता था लेकिन हसद की वजह से कहने लगा मुझे पता नहीं कौन है। उस वक्त एक शायर, उसने कहा तू नहीं जानता इनको, ये कौन शख्स है, कौन सी हस्ती है, ये तो वो हैं जिनको अरब जानते हैं, जिनको अजब जानते हैं, जिनको बेतुल्ला जानता है, जिनको हिल जानता है और जिनको हजरे असवद जानता है, तू नहीं जानता तो तेरे न जानने की कोई परवाह नहीं। तो इज्जतें अल्लाह की तरफ से, इज्जतें अल्लाह ने दीन में ईमान वालों के लिए अल्लाह ने रखी हुई हैं। इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द में बगदाद पहुंचे, ऐसा मजमा उनके इस्तकबाल के लिए निकला सवारियों पर के गर्दों गुबार, और फिर छींक आई उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो कहा मजमे ने यरहमुकल्ला जवाब दिया, तो इतना शोर कि हारून रशीद की बीवी घर में यह आवाज आई, ये क्या हो गया, कोई बगावत तो नहीं हो गई? तो तहकीक के लिए आदमी भेजे, हालांकि हारून रशीद नेक दिल आदमी, एक साल खुद हज पे जाता है, एक साल उलमा को और उनकी औलादों को भेजता है, और जिहाद के लिए मुस्तकिल कार्रवाइयां कर रहा है, कोशिशें दीन की फैलाने की। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी 6 महीने हदीस की खिदमत में और 6 महीने अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए, और ऐसा खर्च करने वाले कि दुनिया की ऐसी बेरहमती, कह रहे हैं जो जितनी खजूरें खाएगा उतने उसको दिरहम दिए जाएंगे, जरा बराबर भी दुनिया की रहमत अंदर नहीं। ऐसी एहतियात की जिंदगी गुजारने वाले, किसी से कलम मांग लिया, एक मुल्क से वापस आ गए अपने मुल्क में, आरियतन मांगा हुआ कलम दोबारा पूरा सफर करके वहां पहुंचा कर आए कि मांग कर लिया कलम, उसका पहुंचाना है, अमानत है मेरे पास। तो दीन वाली जिंदगी की वजह से ऐसी मोहब्बत, अब ये चीजें जो लोगों के दिलों के अंदर आई तो इतना आवाज उठी, तो कहा कोई बगावत तो नहीं हो गई? तहकीक के लिए आदमी भेजे तो पता चला नहीं, ये तो इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। तो बीवी खामिद से कहने लगी हुकूमत तुम्हारी है या इनकी है, दिलों पर जो हुकूमत अल्लाह ने अता कर रखी है वो इनको अता कर रखी है।
तो अल्लाह ने इज्जतें दीन के अंदर रखी हैं, बाकी सरासर एक धोखा ही धोखा, अपनी सलाहियतों और इस्तेदादों और कुव्वतों को जाया करना बल्कि अपने खिलाफ इस्तेमाल करना, हकीकत जब खुलेगी उस वक्त कोई फायदा नहीं। अब यही दावे करने वाले कि जो अपने दावे कर रहे हैं कि हमारे लिए ये मुल्क मिस्र और ये नेरे और ये फौजें और ये कंगन, अब जब पकड़ का वक्त आया खुद भी डूबा और पूरी कौम को कोई जरा बराबर भी अल्लाह के यहाँ कदर कीमत नहीं। फरमाया फमा बकत अलैहिम अस्समा वल अर्ज, न आसमान रोया न जमीन रोई जरा बराबर, इन लाखों की कोई परवाह नहीं। लेकिन जिसने सही रुख पर मेहनत की, जिस मकसद के लिए उनको भेजा गया उस मकसद पर अपनी सलाहियतें और कुव्वतें और इस्तेदादें लगाई हैं, अल्लाह के यहाँ इतनी कीमत की उसका अंदाजा नहीं हो सकता। साद इब्न माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस्लाम का जमाना तकरीबन 5 साल का उनको मिला, इस्लाम लाने से लेकर इंतकाल तक ऐसी मेहनत की, ऐसी इस्तेदादें अपने ऊपर खर्च की, ऐसी अंदर इस्तेदाद और कुव्वत पैदा हो गई। बनू कुरैज़ा ने जो गद्दारी की, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले मुआहदा किया हुआ था, अब बाहर से जो ग़ज़वा अहज़ाब में कुफार आए उनके साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ हो गए, अब फिर हुक्म हुआ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनको मुहासरा करने का, 25 दिन किले में मासूर रहे। अब फैसले के लिए इनको चुना कि साद इब्न मुआज़ पुराने हमारे हलीफ हैं, पुराने हमारे ताल्लुकात हैं इनके साथ, ये जो फैसला फरमाएंगे वो हमें चाहिए, उस पर हम तैयार हैं। अब इनको भी लोग आकर कह रहे जरा ख्याल रखना, पुराने ताल्लुकात हैं हमारे इनके साथ, सुन रहे हैं उनकी बातें। लेकिन फैसला वो किया, कहा कि जो क्योंकि गद्दारी की है तो जो इनके लड़ाई के काबिल हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, बाकी माल गनीमत है इनका माल जो भी है और बाकियों को कैद कर दिया जाए। आपने फरमाया जिसका मफहूम यह है कि वो फैसला किया जो एक बादशाह का फैसला अल्लाह का फैसला है। अब उसकी वजह से फिर बाद में उन्होंने दुआ की हुई थी, वो जख्म जारी हो गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक सीना से साथ लगा रहे हैं, आपके कपड़े खून से रंगीन हो रहे हैं, इसी हाल में उनका इंतकाल हुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आवाज़ अपने वालिद की अपने हुजरे में बैठकर साफ महसूस कर रही थी, सुन रही थी, ये मेरे वालिद की आवाज़ है और ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, उनकी वजह से रो रहे हैं, हालांकि वो अंसार में से और ये महाजरीन में से, लेकिन दीन पर मेहनत की, जो इस मेहनत से एक मकसूद है वो अंदर आ गए कि हर जज्बा अंदर से खत्म हो गया, सिर्फ एक ही जज्बा बाकी रहा, अल्लाह की माननी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर माननी है। तो फिर रूह जब परवाज की, अल्लाह का अर्श भी उनके रूह के परवाज करने पर कांप उठा कि एक मेहनत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेहनत देकर गए इस उम्मत को और खुद भी और पूरी उम्मत को इसके ऊपर डाला और आगे रहनुमाई फरमा गए। खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ने ये मुबारक मेहनत इस उम्मत को नसीब फरमाई है। तो आज अल्लाह ने अपने फजल करम से उसी अंदाज से इज्तमाहीत के साथ, अमूमियत के साथ, नकल व हरकत के साथ, कि एक फ़र्द कोई नहीं कर सकता है, एक इज्तमाहीत और जमात के साथ, नकल व हरकत के साथ, कहीं एक जगह बैठ कर नहीं हो सकती, पूरे आलम तक इस मेहनत को पहुँचाना है, जहाँ खुद पहुँच सकता है वहाँ तक आगे दूसरों तक। तो अल्लाह ने अपने फजल करम से इस जमाने में उस अंदाज की मेहनत नसीब फरमाई, अब ये कुव्वतें और इस्तेदादें और सलाहियतें इसी एतबार से इस उम्मत को दी गई हैं, अपने ऊपर भी मेहनत करना और पूरी इंसानियत पर मेहनत करना। तो उम्मत जब तक ये करती रही, पूरे आलम का निज़ाम एक उनके लिए मुसख़र रहा और वह तस्खीर आलम कोई मकसूद नहीं था, मकसूद इंसानियत की हिदायत थी, वो सामने है, अल्लाह ने सारी चीज़ों को ताबे कर दिया। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज भी वही मेहनत है, उसमें कोई फर्क नहीं आया, जैसे नमक क्यामत तक नमकीन रहेगा उसकी असर यही रहेगा, मीठी चीज वो मीठी रहेगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत में वही तासीर है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। आपको आखिरी आप अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, हाँ ये है कि उन सिफात के साथ हो जिन सिफात के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक मेहनत को किया।
उम्मती होने की हैसियत से इस मेहनत को करना, अल्लाह की ज़ात आली पर यकीन करके इंसानियत की खैरख्वाही के जज्बे से अपना सब कुछ इसको के ऊपर कुर्बान करके और रो रो कर अल्लाह पाक से अपने लिए भी और पूरी इंसानियत के लिए इसको मांगना। तैयार है जी इसके लिए? अब इसी के लिए अल्लाह ने यह मौका नसीब फरमाया हुआ है। और आप जानते हैं कि हर आदमी का दिल कर रहा था, लेकिन अब मोहल्लों के अंदर, मस्जिदों के अंदर कुरानदाजी की गई, कितने आदमी जाए। वरना तो अब भी कह रहे कि हमारा दिल चाह रहा है, अल्लाह पाक ने यानी इंतखाब कर इंतखाब की सूरत में ये मौका दिया है। अब इस मौके को हम गनीमत समझ के अपने वक्त को ऐसा गुजार लें अल्लाह को पसंद आ जाए ऐसा कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह पाक हिदायत के फैसले फरमा दें। आमाल के अंदर लगना और दूसरों को इसके ऊपर लगाना और दुआ के अंदर लगना, कोशिश फरमाएंगे जी इसकी। अब नमाज की तैयारी फरमाएंगे, बाकी इंशाअल्लाह तफसीली बात बाद में।